हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल एक्सप्रेस व्लॉग्स। और आज हम आपको टूर कराते हैं अपने सेकंड स्टे का, विच इज जोस्टल होम्स रक्षम। तो गाइज, आपको पता है हम हैं अभी अपने सांगला वैली के ट्रिप पे। तो सांगला वैली का पूरा एक सर्किट बनता है। सो गाइज, सबसे पहले पड़ता है सांगला विलेज, और उसके बाद पड़ता है रक्षम विलेज, फिर पड़ता है चितकुल विलेज। तो चितकुल विलेज है इंडिया का तिब्बतन बॉर्डर का लास्ट विलेज, और वहां पर चितकुल विलेज में भी जो लास्ट स्पॉट है, दैट इज अ बेस कैंप इंडियन आर्मी का, उसके आगे अलाउ नहीं करते हैं। सो गाइज, अगर बात करें हम रक्षम की, तो रक्षम पड़ता है चितकुल से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स पहले। सो गाइज, अगर बात करें हम रक्षम विलेज की, तो चितकुल से 12-13 किलोमीटर पहले एक रास्ता नीचे की तरफ कट रहा है, जहाँ जो कि जोस्टल होम्स आता है, मतलब कम्प्लीटली रक्षम विलेज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसी के थ्रू। तो वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह सब लगे हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। और यहाँ पर जब आप जोस्टल होम्स आएंगे, तो यहाँ पर आपको किसको किसको कॉन्टैक्ट करना है, जो भी डिटेल्स होंगी वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक्स और डिस्क्रिप्शंस मेंशन कर देंगे। तो अब हम दिखाते हैं आपको ये जोस्टल होम्स का थोड़ा व्यू। आप पीछे देखिए, मेरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिखेंगे आपको, और यहाँ पे आपको कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी दिखेगी। यहाँ पर कोई भी आपको लग्जरी स्टे आप प्लीज़ एक्सपेक्ट करके मत आइएगा। यहाँ पर आपको पूरा होमली फील आएगा, और खाना भी बिल्कुल आपको घर की तरह ही मिलेगा, बिल्कुल तवा रोटी और घर की बनी सब्जियों की तरह। तो यहाँ पर आपको मतलब लग्जरी मत एक्सपेक्ट करिएगा, सिंपली इज दैट। तो सो गाइज, चलिए आपको दिखाते हैं हम अपना ये जोस्टल होम्स रिजॉर्ट। तो ये एंटर करते ही पूरा है ये पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में ऑलमोस्ट इनकी 6-7 गाड़ियां तो आराम से लग जाती हैं। और अंदर चलते हैं, पार्किंग एरिया के तुरंत बाद आता है इनका किचन। तो ये देखिए इनका किचन, यहाँ पर टूरिस्ट की एंट्री नहीं है, इसलिए हम आपको अभी किचन नहीं दिखा रहे हैं। और अंदर चलते हैं, ये है थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया। आप नेचर को एंजॉय करते हुए आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, इवन इवनिंग स्नैक्स। वैसे टेम्परेचर इतना मतलब थोड़ा कम ही रहता है यहाँ पर, तो लोग प्रेफर करते हैं ऊपर अपना रूम्स के सामने बैठना, क्योंकि इन्होंने गद्दे वगैरह वहाँ पे भी सिटिंग मेंटेन कर रखी है, गद्दे वगैरह लगा रखे हैं। बट हाँ, आप प्रेफर मतलब अगर आप चाहते हैं आउटसाइड बैठना, यहाँ पे इंजॉय करना, तो आप बैठ सकते हैं। फिर आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर है इनका कॉमन रूम, और कॉमन रूम में है इनके सारे गेम्स, इनका मतलब डाइनिंग एरिया, और थोड़ा सा इन्होंने हीटर वगैरह भी लगा रखा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये है इनका कॉमन एरिया, यहाँ पर इन्होंने गेम्स वगैरह रखे हुए हैं, और आप सिटिंग है प्रॉपर, आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं और अपना मील्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर टीवी भी है, कुछ बुक्स भी रखी हैं, जो सो दैट कि आप अपना जो मी टाइम है वो भी स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, ग्राउंड फ्लोर पे इनका है ये कॉमन एरिया, और उसके बाद है ये जो बाकी के रूम्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारे के सारे सिर्फ डॉर्मेट्रीज हैं। अगर किसी का भी बजट थोड़ा कम है, तो आप डॉर्मेट्रीज कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ नाइट स्टे के लिए आई डोंट थिंक आपको और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और इनफैक्ट अगर कोई वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी करता है, जो कि आजकल एक नया कल्चर चला है, तो उसके लिए आप डॉर्मेट्रीज कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, इनका यहाँ पर एक रूल है कि आप शूज पहन करके ऊपर इनका जो प्राइवेट रूम वाला सेक्शन है उसमें आप नहीं जा सकते। इनफैक्ट जो कॉमन एरिया वाला भी सेक्शन है उसमें भी आप अपने खुद के शूज नहीं पहन करके जा सकते। इन्होंने यहाँ पर खुद के अपने स्लीपर्स और फुटवेयर्स रखे हुए हैं, तो वही वो अलाउ करते हैं। तो हम फटाफट अपने फुटवेयर्स चेंज करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। सो गाइज, ये है इनका फर्स्ट फ्लोर हॉस्टल होम्स का, और इसका देखिए यहाँ पर इन्होंने बाहर सिटिंग लगा रखी है। अगर आप अपनी इवनिंग या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बैठ करके इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हैं हम इनके प्राइवेट रूम के अंदर। प्राइवेट रूम में ये देखिए, ये है इनकी बेडिंग, और जो इस तरीके की यहाँ पे जैसे ये रक्षम हो गया या चितकुल हो गया, ये पड़ते हैं बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज में। तो यहाँ पर आपको मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज ही मिल जाए वही बहुत है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि इनकी सारे गेस्ट को कंफर्ट अच्छे लेवल पे प्रोवाइड हो जाए। तो आप ये देखिए, इनकी बेडिंग बहुत कंफर्टेबल है,
रूम में ब्राइटनेस बहुत है। सो गाइज, इस प्राइवेट रूम के साथ आपको मिलेगा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट अलमीरा भी, जिसमें कि आपका सामान कंफर्टेबली आ जाएगा। थोड़ी सी ट्रेडिशनल है ये कबर्ड, तो ये देखिए ये कबर्ड, और इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मैट्रेस भी रखा हुआ है, जो कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो आप यूज कर सकते हैं। ये है थोड़ा सा कबर्ड का एरिया। और बात करें बेडिंग की और अच्छे से, ये हाँ, ये विंडो हमेशा आपकी ब्राइट लाइट मेंटेन रहेगी। बेडिंग भी बहुत कंफर्टेबल है, और ये है अटैच्ड एक वॉशरूम। सो गाइज, बात करें अगर वॉशरूम की, तो वॉशरूम में आपको आपका प्राइवेट गीजर मिल जाएगा, और वॉशरूम नीट एंड क्लीन है और डिसेंट साइज का है। तो कंफर्ट की अगर बात करें तो इसके लिए इतना तो फाइन है, इतना ही चाहिए होता है लोगों को। तो रूम मुझे काफी सही लगे, और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, जब तक कि हम मतलब कंप्लीटली एक इनका जो सीजनल वाला टाइम ड्यूरेशन है, हम जून में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं थे। मील्स इनके इंक्लूडेड नहीं थे हमारे पैकेज में, तो हमने मील्स एडिशनल लिए थे। आप इनसे अपने मील्स इंक्लूड कराने की भी बात कर सकते हैं। इनका हमने आपको किचन दिखाई दिया है, तो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ का एक और चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने अभी एक्सपीरियंस किया है कि जोस्टल की जो कम्प्लीटली चेन है, जैसे कि सांगला की बात कर लें या चितकुल की बात कर लें, तो यहाँ पर किड्स को अलाउ नहीं करते हैं जनरली, ड्यू टू रीजंस जो कि शायद आपको भी पता ही होंगी। बट ये जोस्टल होम्स है रक्षम का, और यहाँ पर किड्स अलाउड थे, तो आप यहाँ पर आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करिए। और मतलब लोग वैसे प्रेफर करते हैं कि लोग सांगला रुक जाते हैं या चितकुल चले जाते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रक्षम एक मिड पॉइंट पड़ता है, तो आप रक्षम में स्टे करिए। और यहां से 30 मिनट्स ऑलमोस्ट लगते हैं, क्योंकि 12 टू 13 किलोमीटर्स ही है चितकुल, तो आप चितकुल जाकर के भी अपना डे में इंजॉय कर सकते हैं। सांगला भी आप जा सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 30-40 मिनट्स ही है, तो आप रक्षम में रुकिए। रक्षम की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने एक मॉर्निंग ट्रैक भी किया था रिवर साइड के लिए, तो हमने ये नोटिस किया कि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो मतलब हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, बट हाँ, दे वर सो सपोर्टिव कि वो हमसे पूछ रहे थे कि हाँ आप किधर जा रहे हो, रास्ता इधर से है, रास्ता अच्छा है। तो मतलब यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, तो आप रक्षम इंजॉय करिए, और रक्षम में आपको रह करके बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो गाइज, ये था हमारा सेकेंड डे का स्टे जोस्टल होम्स रक्षम का। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले स्टे के व्लॉग में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे वीडियोस पे कमेंट करिए, अपने आपके सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। टिल देन, बाय।